नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो ये MI का टीवी है, ये इसका मॉडल नंबर है 4A Pro और ये 32 इंच वेरिएंट वाला है। तो इस पर्टिकुलर टीवी को हम जो रिकवरी मोड है उसमें कैसे इसको लेके जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आती है उसमें ये टीवी हैंग कर जाता है। तो उस समय जब ये हैंग कर जाता है या फिर ये स्टार्ट नहीं हो रहा होता है या किसी बूट लूप में फंस जाता है, तो इसको क्या सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए इसको रिकवरी मोड में डालना पड़ता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने जो टीवी सेट है उसको पावर ऑफ कर देना है। तो ये मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया है। ये बैक बटन और ये ओके बटन, इन दोनों को प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करते हुए ही दबाए रखेंगे और इसको पावर ऑन करेंगे। अब देखते हैं, ये रिकवरी मोड में बूट करना चाहिए। बिना पावर ऑन बटन के अगर ये MI का लोगो आ गया है, इसका मतलब है अब आपका ये रिकवरी मोड में जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है रिकवरी मोड। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, जो टीवी का जो इसने रिकवरी का जो टीवी का रिकवरी का वर्जन है वो कुछ इस तरह से है, PI 6036। और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है बूट सिस्टम, रिबूट टू बूट लोडर, अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADV, अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल, वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, वाइप कैचअप पार्टीशन, वाइप परम पार्टीशन, माउंट सिस्टम, व्यू रिकवरी लॉग्स, रन ग्राफिक टेस्ट एंड लोकल टेस्ट एंड पावर ऑफ। यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन है, जैसे अगर आपको पेन ड्राइव से इसको अगर अपडेट करना है, तो ये अपडेट विथ फ्रॉम SD, इस ऑप्शन को यूज़ करके आप SD कार्ड, मतलब इसका इंटरनल स्टोरेज है, उसमें अपडेट को शिफ्ट करके कर सकते हैं, या फिर यू डिस्क, मतलब आप पेन ड्राइव के थ्रू इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मैं बैक कर देता हूँ, हाल फिलहाल हमें इसको अपडेट नहीं करना है। अलावा आप चाहें तो यहाँ से आप इसको एक बार फैक्ट्री रिसेट मार सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ जो रिकवरी लॉग्स हैं वो देख सकते हैं। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको अपडेट करके भी दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो कुछ हेल्प करे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन बाय।